वही महाकाल लोक पे हंगामा नहीं हुआ। कांग्रेस ने ये मुद्दा पिछले बवंडर के बाद से कई बार उठाया, लेकिन जनता में कोई प्रतिकार या जनता में कोई इस बात का असर नहीं हुआ। तो वो अपनी आखिरी हारी लड़ाई आज विधानसभा में लड़ रहे थे। कांग्रेस ने अपने सारे हथकंडे लगा लिए, लेकिन बाबा महाकाल के महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की जो इकोनॉमी बदली है, जो यस मिला है, धार्मिक पर्यटन का बड़ा बदलाव आया है, कांग्रेस इससे बेकरार है। कांग्रेस की हालत ख़राब है। आने वाले समय में कांग्रेस इस वर्तमान के हालात के कारण से अनावश्यक रूप से मुद्दे ढूंढ रही, लेकिन कांग्रेस फेल हो गई। आज फ्लोर पे वो बात कर सकते थे, लेकिन आज भी हंगामा मचा करके उनने एक हारी लड़ाई लड़ी जिसमें उनको नाकामी हाथ में आई। आदिवासी से लेकर महापौर लोग के या बाकी तमाम मुद्दे सरपड़ा, आप लोग चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? हम तो हर एक मुद्दे पर चर्चा कराया, हमने क्वेश्चन नंबर का शांति से जवाब दिए। कांग्रेस ने ही हल्ला मचाया, हम सब जानते हैं। जनता के सामने लाइव डिबेट हो रही थी और लाइव डिबेट में देखा है कि कांग्रेस ने जान करते विधानसभा की कार्रवाई बाधा की। अनिश्चितकालीन क्यों हुई, क्या वजह मान रहे हैं? अनिश्चितकालीन तो स्वाभाविक रूप से कोई सत्र समापन होता है तो ऐसे ही होता है, लेकिन निश्चित रूप कांग्रेस का तो जनता के बीच में गए, लेकिन कांग्रेस के झूठ के पर नहीं थे, झूठ के पैर नहीं थे, इसलिए हवा में उड़ गई। आखिरी लड़ी उन्होंने विधानसभा में, उसमें भी उड़ गई। यादव जी चार दिन के सत्र में